नमस्कार, स्वागत है आपका फिल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे साथियों। KBS PRT शिक्षक भर्ती परीक्षा आपको मालूम ही है कि 21 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के बीच में संपन्न हुई थी। अब देखो साथियों, आपको वेट करते करते रिजल्ट का बहुत समय गुजर चुका है। अब जो लोग इंटरव्यू की तैयारी भी कर रहे हैं उनके लिए भी मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है कि उनको यही नहीं मालूम पड़ पा रहा है कि हमारा जो रिजल्ट है वो कब तक जारी हो पाएगा। सीधी बात ये है, सही बात तो ये, सामने अगर आपके पास कुछ होता नहीं है तो किस चीज़ की तैयारी करें। तो बहुत सारे लोग ये कंसर्न है कि हम तैयारी कर नहीं पा रहे हैं ढंग से, हमारा हम कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे तैयारी में, इसका रिजल्ट जल्दी से जल्दी आना चाहिए। भाई सीधी बात है, रिजल्ट में बहुत समय गुजर चुका है, अब रिजल्ट जल्दी आना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि इसका जो रिजल्ट है वो आपको सितंबर लास्ट तक दिखाई देगा, ठीक है। उससे पहले रिजल्ट का कोई लेना देना भी नहीं है, वरना रिजल्ट आएगा ही, ठीक है। और इंटरव्यू की तैयारी में जो कर रहे हैं उनका मन नहीं लग रहा है। भाई सीधी बात है, मन कैसे लगे, सामने अगर आपके पास कुछ होता, सामने मालूम पड़ जाता कि हाँ अब इस इतने समय पर, क्योंकि समय बहुत गुजर चुका है, लगा वैसा फरवरी से लेकर अब क्या चल रहा है, ये सितंबर आ गया तो सितंबर तक कितने महीने हो गए, गुजर चुके हैं। तो इस चीज़ के बारे में बीच में बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन हो चुकी है, बहुत सारे लोग तो बोल भी चुके हैं कि हमने KBS का एग्ज़ाम भी दिया है, ठीक है। तो लेकिन अब आपको मन लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देखो इसका रिजल्ट है तो जल्दी तो जारी करेगा, मतलब सितंबर लास्ट तक तो जारी करना ही पड़ेगा इसको, सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक में, क्योंकि इसमें समय बहुत ज़्यादा गुजर चुका है। इसमें एक पेच और फंस रहा है जो मैंने कल भी आपको बताया था, जैसे BEd BTC वाला, वो मैं लास्ट में चर्चा करूँगा। और दूसरा साथियों, जनरल में अगर आपके 100 से 110 नंबर हैं, वो तैयारी करना शुरू कर दें। वही सीधी बात है, थोड़ा थोड़ा करो। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से आप टूट पड़ो इसी पे, लेकिन नहीं, थोड़ी थोड़ी तैयारी करो, करो ज़रूर इसकी, क्योंकि तैयारी आपको करनी पड़ेगी तभी कुछ हो पाएगा अब इसमें, ठीक है साथियों। तैयारी ऐसा नहीं है कि एकदम से आप तैयारी करना शुरू कर दो, मतलब तैयारी 1 घंटा 2 घंटा आप करना शुरू करो, ठीक है। थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आपको, जब तैयारी करना शुरू करोगे तो इंटरेस्ट क्रिएट होगा, जब इंटरेस्ट क्रिएट होगा तो आप करने लगोगे, फिर जब रिजल्ट आ जाएगा तब और थोड़ा फास्ट हो जाएगी आपकी, ठीक है। लेकिन जो 100 से 110 वाले हैं साथियों, तैयारी चूकना मत, अन्यथा की स्थिति में आप पछताते रह जाओगे। हर वीडियो में ये बता रहा हूँ आपको मैं, जिसके भी जनरल में 100 से 110 हैं वो तैयारी को चूकना मत, आप तैयारी करते रहिए, आपको इंटरव्यू की कॉल आएगी, ठीक है। और उसके कैटेगरी में है उससे तो फिर नीचे जो है वो हो जाएगा। आप कहोगे कि आप 120 बता रहे थे वेरिट, मतलब कट ऑफ 115, भैया नॉर्मलाइजेशन और गलत प्रश्नों को जोड़कर 10-15 नंबर आपको मिलने की पूरी संभावना है, कुछ शिफ्ट में तो 20-20 नंबर तक बढ़ सकते हैं आपके। तो इसलिए 100 से 110 के बीच में जितने भी लोगों के नंबर हैं वो तैयारी करते रहें। आप तैयारी नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि बस 1 घंटा आधा घंटा 1.25 घंटा जितना भी आपको लगता है कि हाँ कर पा रहा हूँ कॉन्सेंट्रेट, जितनी देर कर पा रहे हो उतनी देर करूँ, ज़्यादा देर करने की आवश्यकता नहीं है। 1 घंटा कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो, 1 घंटा करूँ, 2 घंटा करूँ, बस ज़्यादा नहीं। जब आपका मतलब रिजल्ट आ जाए आपके समक्ष, आप करने लगना, 6-7 घंटे तैयारी कर लेना आराम से, तो इंटरव्यू की तैयारी भी हो जाएगी और आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। अगर आप नहीं करोगे अभी से तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाएगा, एकदम से रिजल्ट आ जाएगा फिर आप हड़बड़ करोगे तो उसमें कुछ नहीं हो पाएगा। थोड़ी थोड़ी करते रहो, कोई ज़रूरी नहीं है 1-2 घंटा आप करते रहो तैयारी, उससे कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा और जब आ जाएगा रिजल्ट आपका तो थोड़ा सा अच्छी तरह से कर लेना। और साथियों, बहुत सारा कंसर्न ये है लोगों का कि जैसे इसका जो जॉइनिंग है वो कब तक होगी। एक वीडियो में मैंने पहले ही बताया था, जितनी भी तुम्हारी KBS ने जितनी भी पोस्ट निकाली हैं उसकी जॉइनिंग लोकसभा चुनाव से पहले, जब आचार संहिता लगेगी उससे पहले आपको जॉइनिंग मिल जाएगी, लेकिन सबकी मिलेगी एक साथ, देख ध्यान रखना इस चीज़ को, क्योंकि इसको मुद्दा बनाना है चुनाव का, ठीक है। बहुत सारी वैकेंसी निकली नहीं है केंद्र में, इसी प्रकार से मुद्दा बनाया जा रहा है। जैसे आप SS CGL की भी बात कर लो तो उसका भी जॉइनिंग तभी दी जाएगी, ठीक है। तो दोनों की जॉइनिंग उसी टाइम पे दी जाएगी, बस लोकसभा चुनाव से पहले आपको इंतजार करना है कि आचार संहिता कब लग रही है। दिसंबर में लगेगी, दिसंबर से पहले मिल जाएगा जॉइनिंग लेटर आपको। जनवरी में लगेगी, जनवरी से पहले मिल जाएगा, बस इतना ध्यान रखो। उससे पहले, बहुत ज़्यादा पहले नहीं मिलेगा जॉइनिंग आपको, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि लोकसभा चुनाव होगा उससे पहले आपको जॉइनिंग मिल जाएगी। अब बात करते हैं साथियों, ये कोर्ट केस, जो कोर्ट अगर कोर्ट कहेगा BEd को शामिल कर लिया जाए, रिव्यू पिटीशन, देखो अभी रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं हुई है, रिव्यू पिटीशन फाइल होती है, अगर कोर्ट कहता है कि इसको कंसीडर किया जाए, BEd को कंसीडर किया जाए, तो BEd का भी कंसीडर कराया जाएगा और BEd का भी फिर रिजल्ट आएगा, ठीक है। लेकिन अभी तक इसका कोई ऐसा पुख्ता सबूत तो नहीं है कि इसमें आएगा कि नहीं आएगा। छत्तीसगढ़ वाला एक मैटर था, उसी के बारे में मैंने कल भी बताया था आपको। लेकिन हाँ, अगर कोर्ट कहेगा, रिव्यू पिटीशन फाइल हो जाएगी तो कोर्ट कहेगा कि हाँ इसको कंसीडर करना है आपको, इसको लेना है, तो फिर लिया जाएगा, भी सीधी बात है।
अगर नहीं कहेगा तो कोई बात ही नहीं, आप तैयारी करो आराम से बढ़िया तरह से, ठीक है। जितने बीटीसी वाले डीएलएड वाले हैं आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो शामिल होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, लेकिन आपको तैयारी में जुटे रहना है, करते रहना है। और जैसे मैंने बताया आपको, जितना कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो आधा घंटा एक घंटा उतना ही कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ते रहो, और जब रिजल्ट आ जाएगा तो थोड़ा तैयारी को फास्ट खुद ब खुद हो जाएगी, कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मोटिवेशन मिल जाएगा सामने आपके, मतलब इंटरव्यू रहेगा तो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, आपको पीआरटी नहीं पूरे केबीएस की जितनी भी भर्तियां हैं सबकी ज्वाइनिंग आपको लोकसभा चुनाव से पहले देखने को मिलेगी। और मैंने बता दिया रिजल्ट के बारे में, उसका ज्वाइनिंग के बारे में बता दिया, ज्वाइनिंग लोकसभा चुनाव से पहले मिलेगी। और 100 से 110 वाले जितने भी लोग हैं तैयारी करते रहें भाई साहब, चूक जाओगे आप, ठीक है। जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो सब तैयारी करें एक साथ, ठीक है। तो आपको आपका जो सिलेक्शन होगा वो निश्चित हो सके, अपना सुनिश्चित करने के लिए। बहुत सारे लोग तो ऐसे नहीं है जैसे आप हाथ पे हाथ रख के बैठे, बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और वो जब से कर रहे हैं उनको मालूम है कि कभी भी आए रिजल्ट हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आप भी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करो, आपको भी एक चांस मिला है तो उसको बनाओ चांस को, ठीक है। तो आप तैयारी करते रहिए, आपको जॉब जरूर मिलेगी, और ये इसकी सैलरी बहुत अच्छी खासी होती है, आप एक बार चेक कर लेना। किसी भी टीचर की सैलरी पूरी ऑल इंडिया में मिलती है, उससे बढ़िया सैलरी मिलती है इसकी, ठीक है। तो आप एक बार चेक करो, जिससे और मोटिवेशन मिलेगा आपको कि हाँ भैया बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। तो क्या होता है कभी कभी चीज़ों को देख के भी मोटिवेशन आता है, ठीक है। तो आप थोड़ी थोड़ी तैयारी करते रहो, और समय ज़्यादा नहीं मिलेगा इंटरव्यू में, रिजल्ट आते ही आपको मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 दिन का समय मिलेगा और इंटरव्यू कंडक्ट होने लगेंगे, ठीक है साथियों। तो यही है वीडियो, तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो साथियों, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके अवश्य रखो, ठीक है साथियों, धन्यवाद।